मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि दूध से पनीर कैसे बनाएं। वैसे तो दूध से पनीर बनाने के कई तरीके हैं, जैसे कि नींबू विनीगर या फिटिकरी, पर आज मैं आप लोगों के साथ एक नया तरीका शेयर करने वाली हूँ जो कि हर किसी के घर में उपलब्ध होता है, तो जिसके लिए आपको बाज़ार जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दूध से पनीर बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 लीटर दूध ली हूँ। दूध आप कोई भी ले सकते हैं, गाय या भैंस का। सबसे पहले हम दूध को उबाल लेंगे। गैस को हमने ऑन कर दिया है, अब हम दूध को उबलने देंगे। दूध जब तक हमारा उबल रहा है तब तक हम आगे की तैयारी कर ले रहे हैं। आज मैं जो पनीर बनाने वाली हूँ वह दही के पानी से बनाऊँगी। यहाँ पर हमने दही लिया हुआ है, इसे हमने सुबह काट दिया था। दही काटने के बाद जो पानी छोड़ने लगता है, यह हमने सुबह काटा था। अब शाम को मैं बना रही हूँ तो कुछ घंटों के बाद दही में से पानी निकलने लगता है, इसी पानी से मैं पनीर बनाऊँगी। इसे हम एक छन्नी में छान लेंगे। यहाँ पर हमने कटोरा लिया है और एक छन्नी ली है। अब इसमें हम दही के पानी को छान लेंगे। दूध में हमारा उबाल आ चुका है, अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। गैस का फ्लेम हमें एकदम लो कर देना है। यहाँ पर हमने जो दही का पानी लिया है वो ज़्यादा खट्टा नहीं है, अगर ज़्यादा खट्टा हो तो आप इसे कम ही डालें। अब दही वाला पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालेंगे। अब इस तरह से हम इसे चलाते जाएंगे चम्मच से। इस तरह से हम चलाते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालते जाएंगे। जब हमारा दूध फटने लगे तब हम गैस को बंद कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि दूध जो हमारा फटने लगा है, ये देखिए दूध हमारा फटने लगा है धीरे धीरे करके। इस तरह से हम लगातार इसे हल्के चम्मच से चलाते रहेंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं जो हमारा दूध है अच्छी तरह से फट चुका है। अब इसमें हम नॉर्मल पानी डाल देंगे ताकि हमारा पनीर जो है वो टाइट ना हो। अब इसे हम एक कपड़े में छान लेंगे। यहाँ पर मैं एक सफ़ेद रंग का कॉटन का कपड़ा ली हूँ। आप कपड़ा सफ़ेद ही लें, नहीं तो रंगीन कपड़ा लेंगे तो वो कलर छोड़ता है। अब इसमें मैं पनीर को छानूंगी। अब छेने को मैं इसमें छान लूँगी। आप कोई भी बड़ी सी छन्नी हो उसमें भी छान सकते हैं। यहाँ पर हमने छेने को छान लिया है, इसे धोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो दही था वो खट्टा नहीं था। अगर आपका दही खट्टा हो तो इसे आप टेस्ट करके पता कर सकते हैं, अगर खट्टा लगे तो आप इसे नॉर्मल पानी से धो सकते हैं। यहाँ पर हमने छेने को पानी को एक्स्ट्रा निकाल दिया है। अब हम एक भारी वजन इस पर रखेंगे, इस तरह से एक चकला रख देंगे। अब इसे हम 1 घंटे के लिए रख देंगे। अब हम पनीर को चेक कर ले रहे हैं। पनीर हमारा बनकर तैयार है, पनीर हमारा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। दही के पानी से पनीर बनाने का यह बहुत ही आसान तरीका है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर दही कम खट्टी हो तो दही के पानी की मात्रा ज़्यादा लग सकती है, तथा दही ज़्यादा खट्टी हो तो दही के पानी की मात्रा कम लगेगी, पर पनीर आपका परफेक्ट बनकर तैयार होगा।
अब इसे हम कट करके दिखा रहे हैं, ये देखिए कितनी आसानी से कट जा रहा है। पनीर हमारा कितना सॉफ्ट बना हुआ है आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना पनीर हमारा सॉफ्ट बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि पनीर हमारा कितना सॉफ्ट बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि नींबू और विनेगर के अपेक्षा काफ़ी सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। अगर दही के पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा भी हो गई तो यह न कड़ा बनेगा और न ही बिखरेगा। इसमें दही का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है, यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप इसे ट्राई करेंगे तो स्वाद का पता चलेगा। पहली बार हमने जब इस रेसिपी को ट्राई किया तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था यह इतना ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। आप भी इसे एक बार ट्राई अवश्य करें। पनीर हमारा बनकर तैयार है। दही के पानी से पनीर बनाने का यह बहुत ही आसान तरीका है। आप भी इसे एक बार ट्राई अवश्य करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहें मीना की रसोई।